और आज का ये सेशन आप सभी की भारी डिमांड पर लेकर आया हूँ। सर, IIT से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, JEE एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, IIT कॉलेजेस हमको कब मिल सकते हैं। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, अगर आपका सपना है इंजीनियर बनने का, अगर आपको बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, अगर आपको बड़ा घर लेने का शौक है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके करियर में पीछे रहने वाली है। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज का यह सेशन आप सभी की भारी डिमांड पर लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सभी का कहना था कि सर IIT से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, JEE एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, IIT कॉलेजेस हमको कब मिल सकते हैं और मैथ्स का सिलेबस क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड जो है आज का मैं सेशन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो इस पूरे सेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके करियर में पीछे रहने वाली है। इसीलिए आपको यह पूरा सेशन ध्यान से और अच्छे से देखना है। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, अगर आपका सपना है इंजीनियर बनने का, तो जिनका सपना डॉक्टर बनने का है तो भैया नीट का जो है प्रिपरेशन करना, और जिनका सपना इंजीनियर बनने का है तो भैया वो जो है यहां पर IIT JEE की प्रिपरेशन कर लेना, IIT कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा, देन मस्त मजा आ जाएगा, जिंदगी सेट है। अगर आपको बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, अगर आपको बड़ा घर लेने का शौक है, मां बाप के सपने पूरे करने हैं और साथ ही साथ अपनी एक अच्छी लाइफ अगर आपको जीनी है, तो इसके लिए आपको ये पूरा सेशन ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहां पर IIT JEE एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, तो मेनली हम यहाँ पर JEE का एग्जाम जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एग्जाम का नेम आपको नजर आ रहा है, तो इस एग्जाम का जो नेम है जो आपको पता है अच्छे से कि क्या है, JEE, JEE, ठीक है। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या होता है बेटा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके दो एग्जाम होते हैं, दो एग्जाम से मतलब कि एक तो मेंस होता है और एक है एडवांस होता है। पहले आपको मेंस क्लियर करना होता है, देन आपको एडवांस जो है क्लियर करना होता है। अगर आप मेंस देते हो तो आपको NIT कॉलेजेस मिलते हैं, और अगर आप एडवांस क्लियर करते हो तो आपको IIT कॉलेज मिलते हैं, क्लियर। कौन कंडक्ट करवाता है ये JEE का एग्जाम, तो भैया इसको कंडक्ट करवाता है NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसको कंडक्ट करवाती है, और ये जो कंडक्टिंग सीजन रहता है ये कितने रहते हैं, दो, मतलब कि ये साल में दो बार होता है एग्जाम, एक तो होता है आपके जनवरी में और एक होता है आपके अप्रैल में, क्लियर। एग्जाम लेवल कैसा रहता है भाई, ये लेवल आपका नेशनल लेवल एग्जाम होता है, क्लियर। नेक्स्ट, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में जो है ये एग्जाम दिया जा सकता है। बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर किस लैंग्वेज में, क्या ये इंग्लिश में दिया जाता है या हिंदी में दिया जाता है, तो भैया ये जो एग्जाम है आप SMEs में, बंगाली में, साथ ही इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू सभी में दे सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग हिंदी में भी ये एग्जाम दे सकते हो। एक बात और मैं बताता हूँ आपको, 10 लाख कैंडिडेट्स जो है इस एग्जाम को फाइट करते हैं। और हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी मीडियम ने आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सिलेक्शन कम होता है। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम होने का रीजन ये नहीं है कि भैया हिंदी मीडियम वाले पढ़ते नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है आपका, क्योंकि हिंदी मीडियम में बच्चे कम रहते हैं बेटा। हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करता हूं तो 80-90 हज़ार बच्चे जो है इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश मीडियम वालों का जो सिलेक्शन रेशियो है वो ज्यादा होता है और हिंदी वालों का कम रहता है। भाई कम बच्चे देंगे तो सिलेक्शन रेशियो कम भी तो रहेगा ना। मोड कैसा रहता है, तो भैया ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में होता है। किसमें होता है बेटा, ऑनलाइन, क्लियर। ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है। एप्लीकेशन फी वगैरह ये तो आप लोगों की जो है पहले कुछ और थी और अब थोड़ी सी चेंजेस हो गई है, तो ये तो आप लोगों को जब आप फिल करोगे फॉर्म तब आप लोगों को पता चल जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम, ये एग्जाम जो होता है CBT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, क्लियर। और ये एग्जाम जो है आप 12th क्लास के साथ में दे सकते हो, ठीक है, क्लास 12th के साथ में दे सकते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, 12th क्लास के रिजल्ट पर, ये ध्यान रख लेना। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 300 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होता है और 3 घंटे का यहां पर आपका ये पेपर होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास में JEE मेंस की हम बात करते हैं, तो JEE मेंस का जो पेपर होता है इसका 3 घंटे का टाइम होता है बेटा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं ना टोटल, वो रहते हैं 90। 30 क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री के होते हैं, और 30 क्वेश्चन इसमें मैथ्स के होते हैं, क्लियर। आप लोगों का जो JEE का एग्जाम होता है इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो 30 क्वेश्चन इसके आपके आते हैं। इसमें से आपको
फिजिक्स के 25 करने होते हैं, केमिस्ट्री के 25 करने होते हैं और मैथ्स के 25 करने होते हैं। तो टोटल आपको 75 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। मार्किंग स्कीम को अगर हम देखते हैं तो आपको करेक्ट करने पर +4 मार्क्स मिलता है और गलत करने पर -1 नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। और अगर आप कोई आंसर जो है अटेम्प्ट नहीं करते हो, क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया, तो आपको 0 मार्क्स मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ और सिर्फ PCM होते हैं, 3 सब्जेक्ट होता है आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में जैसे कि मान लो मैं मैथ्स की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैथ की, मैथ में टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 30 में से आपको सॉल्व कितने करने हैं, 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इन 25 में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि इसमें 20 क्वेश्चन जो है वो तो होते हैं आपके MCQs, ठीक है, 20 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, समझना ध्यान से, क्लियर। तो यहां पर जैसा कि देख पा रहे हो 20 × 4 मतलब कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 80 नंबर तो ये हो गए, ठीक है। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन, जो जैसे कि आपने 20 तो यहां से ले लिए, 20 तो ले लिए, अब कितने बच गए आपके, 10 बच गए, कितने बच गए, 10। समझना इस बात को कि 20 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए और 10 क्वेश्चन जो है ये आपके न्यूमेरिकल हो गए। तो आपने यहाँ क्या किया, 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए और इन 10 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, कितने, 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये किस टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं ये आप लोगों के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बेस्ड, जिसमें आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन वगैरह वाला जो पार्ट होता है ना वो पूरा करना होता है यहाँ पर, क्लियर। तो आपको 20 क्वेश्चन 4 नंबर के 80 हो गए टोटल ये, ठीक है, और 5 क्वेश्चन 4 नंबर के 20 ये हो गए, तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 100 नंबर का पेपर हो गया। यही सेम आपका फिजिक्स में रहता है, यही सेम आपका केमिस्ट्री में रहता है, ओके। नेक्स्ट, यहां पर मैं अगर सिलेबस की बात करता हूं तो भैया जैसा कि आप लोगों को पता है मैथ के सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो सिलेबस बहुत गजब का रहता है। इसमें आप लोगों का क्लास 11th और क्लास 12th ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर, क्लास 11th का आपका 45% सिलेबस और क्लास 12th का आपका 55% सिलेबस लगभग यहां पर आपका आता है, क्लियर। क्लास 11th और क्लास 12th का आपको जो है यहां पर पूरा मैथ अच्छे से कंप्लीट करना है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। सेट रिलेशन फंक्शन आपको अच्छे से पता है, समुच्चय, संबंध एवं फलन, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सारणिक, आव्यू, ये आपको करना है, क्रम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण और सम्मिश्र संख्या, बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, लिमिट, ठीक है, जिसको हम सीमा कहते हैं, सीमा और अवकलज, सीक्वेंस सीरीज, APGP अनुक्रम श्रेणी वाला पार्ट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट आता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D जो है आपकी ज्यामिति वो आ जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति और आपकी प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी ये भी पूछा जाता है, वेक्टर एलजेब्रा, सदिश बीजगणित, मैथमेटिकल रीजनिंग ये भी आपसे पूछा जाता है और त्रिकोणमिति, ये पूरा आपका मैथ्स का जो है यहाँ पर इसका सिलेबस रहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। पहला आपका आता है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, जेई मेंस में लगभग 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, एडवांस में 1 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो यहाँ पर सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण है, इससे 3 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं और एडवांस में आपसे 3 क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से पता है ना, 2 पार्ट में एग्जाम होता है, एक तो जेई मेंस और जेई एडवांस, मेंस क्लियर करने के बाद आप एडवांस का जो है एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, उन्हीं को, क्लियर। नेक्स्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मेंस में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांस में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाइनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांस में भी 1 पूछा जाता है। आगे सिक्वेंट एंड सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी 2, एडवांस में भी 2, मैट्रिक्स एंड सीरीज में एग्जाम में भी 2, सॉरी मेंस में भी 2 और आपका एडवांस है इसमें भी 2, मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन में, ठीक है, तो इसमें आपका 1 पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता, पूछा भी जा सकता है, और मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपके जेई मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस में भी 3 पूछे जाते हैं लगभग, ठीक है, ये एवरेज जो पुराने पेपर्स आए ना उस भी हाफ पर बताया गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 1-1 क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है, क्लियर, और इसी तरह से इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सब में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर आता है आपके पास स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक सेक्शन, तो भैया ये भी आपको पता है कि मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एडवांस में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा भी जा सकता है, नहीं भी, दोनों ही चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर, ये आप लोगों को क्लियर किया है मैंने। नेक्स्ट, इसमें आप लोगों को छोटी सी चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ बुक्स की। बच्चों की अक्सर डिमांड होती है कि सर बुक्स, बुक्स का क्या है, कैसे है ना, तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बुक्स का सीन। देखो सबसे पहले अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, तो केमिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, ठीक है, तो काफ़ी हद तक आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स में आपको एचसी वर्मा हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप लोग जो है उसको फॉलो कर सकते हो। क्लियर, एचसी वर्मा को आप फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी अच्छी प्रिपरेशन। नेक्स्ट, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, तो मैथ्स में आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करो, ठीक है। एनसीईआरटी का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, एररलेस के जो है हिंदी मीडियम की बुक आई है, आप उससे भी अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर, तो ये रेफरेंस बुक्स मैंने आपको दिया है। इसके अलावा आर्यंत की एक बुक आती है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, लास्ट 44 ईयर्स, कौन सी बेटा, लास्ट 44 ईयर्स के लिए, ठीक है, आर्यंत की बुक आती है लास्ट 44 ईयर्स की, ठीक है, आर्यंत की, इसको आप जरूर लगाना। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको इसको जरूर लगाना है, ताकि आप इसको लगाओगे तो आपकी पूरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और काफ़ी हद तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आपको आप मेंस क्लियर करते हो जेई मेंस, तो आपको यहाँ से एनआईटी कॉलेज मिलेंगे। क्या मिलेगा, एनआईटी कॉलेज मिलेगा। अगर आप एडवांस क्लियर करते हो तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। एडवांस आप कब क्लियर करोगे, जब आप पहले मेंस क्लियर करोगे, ठीक है, साल में दो बार एग्जाम होता है ये भी ध्यान रख लेना आप, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा नीड थी। तो अब आप लोगों को मैथ्स के सिलेबस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का हमेशा कहना था कि सर मैथ्स का सिलेबस किस तरह का रहेगा, सिलेबस भी बता दिया, किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से कितने, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर सेशन में मज़ा आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेशन में, इसके आगे के लेक्चर्स में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।